नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की इस अध्ययनशाला में आज आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एक महान समाजशास्त्री जो इतिहासकार भी हैं, राजनीतिकार भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और समाजशास्त्री भी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज इनका जन्मदिन भी है। ये हैं मैक्स वेबर। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी में हुआ था। समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांस में अगस्त कॉम ने की थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खीम ने उसको आगे बढ़ाया। फ्रांस से जर्मनी में अगर समाजशास्त्र को विकसित किया है, जर्मनी में अगर स्थापित किया है, तो उसका श्रेय मैक्स वेबर को है। मैक्स वेबर ने पहली बार समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की बात की। मैक्स वेबर का कहना था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर के पहले तक सामाजिक क्रियाओं की चर्चा किसी ने नहीं की। मैक्स वेबर ही पहले समाजशास्त्री हैं जिनका कहना था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। प्रारंभ में ये इन्होंने कानून विषय को चुना था और 1918 में वेना विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन प्रारंभ करा। वेना विश्वविद्यालय से आप म्यूनिख में गए, म्यूनिख में आपने अध्यापन किया और 14 जून 1920 को आपका निधन हो गया। तो मैक्स वेबर की कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनकी यहाँ चर्चा करना जरूरी है, जिसमें थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये किताब इनकी सबसे पहले आई थी 1905 में। द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में, इकोनॉमिक सोसाइटी 1927 में और द मेथड ऑफ सोशल साइंसेस 1949, द हिंदू सोशल सिस्टम 1950। इनकी अलग अलग किताबें थी, बाद में इनके विद्यार्थियों ने उनको पब्लिश कराया है और किताबों का और भी हैं, पर महत्वपूर्ण यही है द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी। ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। आपने मूल्यों की अवधारणा को खारिज करा। समाजशास्त्र में जो मूल्यों की अवधारणा थी, मैक्स वेबर ने इसको पूरी तरह से नकारा, इसको खारिज किया और कहा कि एक समाजशास्त्री को मूल्यों से दूर रहना चाहिए, उसको भावनाओं से दूर रहना चाहिए, उसको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, उसको फ्री होकर काम करना चाहिए। वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की आप बात करते हैं। मैक्स वेबर एक पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात की है। इनके जो कुछ सिद्धांत हैं उनकी अपने यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला इनका अपन आज अध्ययन करेंगे सत्ता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। सत्ता का सिद्धांत मैक्स वेबर ने प्रभुत्व और शक्ति दो अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर विकसित किया। यहां पे दो चीजें हैं, प्रभुत्व और शक्ति। प्रभुत्व यानी एक कोई भी व्यक्ति किसी चीज जिस पे उसका प्रभुत्व हो, जिस पे उसका पावर हो। वो प्रभुत्व कहलाता है, यानी उसके अधीनस्थ होना चाहिए। कोई भी संस्था, संरचना या वस्तु उसके अधीनस्थ होती है तो उसको अपन प्रभुत्व कहते हैं। अधीनस्थ जो होता है, जिसके अधीन, जैसे मेरे अधीनस्थ मेरे विद्यार्थी हैं, तो मेरे विद्यार्थी या मेरे अधीनस्थ या किसी फैक्ट्री मालिक है उसके अधीनस्थ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो उनको अपने स्वामी का आदेश मानना पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रिंसिपल के अधीनस्थ हम लोग रहते हैं, प्रिंसिपल जो आदेश देता है उसका हमको पालन करना पड़ता है। तो अधीनस्थ व्यक्ति के अधीन में जो रहते हैं उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। दूसरी चीज जो शक्ति है, शक्ति यानी कि वो जिसके कारण व्यक्ति के पास प्रभुत्व होता है वो उसकी शक्ति कहलाती है। प्रभुत्व यानी वह स्थिति, वेबर ने कहा प्रभुत्व वह स्थिति है जिसको व्यक्ति मानते हैं उसके स्वामी के कारण, क्योंकि उस पर उसका स्वामित्व है। अब यहां पर राजनीतिक शक्ति जो है सत्ता का एक भाग है। राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक शक्ति जो है वो अथॉरिटी यानी सत्ता का एक भाग है। और यह शक्ति तभी सत्ता बनती है, यह शक्ति तभी सत्ता बनती है जब उसे किसी ना प्रकार से वैधता मिल जाए, मतलब वैध हो जाए, लीगल हो जाए, तब वो शक्ति सत्ता बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा जिले का कलेक्टर, ये सत्ता का प्रमुख है। कलेक्टर के पास उसकी एक शक्ति है, उसको संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से
कलेक्टर के जिला के संचालन का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए आप देखिए कलेक्टर के आदेश जो भी आदेश देता है कलेक्टर उसको सब लोग सिरोधार करते हैं। इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण और से समझ में आ जाएगा। जबलपुर शहर में लता मंगेशकर का म्यूजिकल कंसर्ट होना है। अब ये घोषणा होती है, ये चर्चा जैसी होती है कि लता मंगेशकर जबलपुर में फलाना फलाना तारीख को म्यूजिकल कंसर्ट कर रही हैं, तो आप देखेंगे उसमें लोग बाग, चूंकि लता मंगेशकर के गायन में उनका एक आकर्षण है, उनकी शक्ति जो है उनका गायन है, तो उस आकर्षण की शक्ति के कारण, लता मंगेशकर के गायन की शक्ति के कारण लोग बाग चले जाते हैं वहां पे सुनने। तो अब दो प्रकार के, कलेक्टर की शक्ति अलग है, लता मंगेशकर की शक्ति अलग है। यानी प्रभुत्व जो है इसको इसने स्पष्ट करा है कि वह व्यक्ति जो शासन करता है, जो आदेश देता है, यानी एक व्यक्ति जिस पर शासन किया जाता है वो शासित होगा और जो शासन करेगा वो शासक होगा। तो समूह जिस पर शासन करता है तो वो क्या हो जाता है, अधिशासित हो जाता है, तो ये कहलाता है प्रभुत्व। अब इसके अंतर्गत उसने कहा शासन की इच्छा, शासन की इच्छा शासित के व्यवहार को प्रभावित करना है। प्रत्येक शासन जितने होता है वो क्या करता है, अपने व्यवहार से शासित को प्रभावित करता है। व्यक्ति पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तय करना पड़ता है। अब सत्ता जो है, सत्ता के तत्व जो बताए मैक्स वेबर ने, अथॉरिटी के एलिमेंट्स बताए हैं, वो हैं शक्ति संबंध, मतलब पावर रिलेशन, शक्ति संबंध, न्यूनतम साधनों का प्रयोग, आपके पास जो साधन है कम से कम साधनों का प्रयोग करना और उनको मान्यता दिलाना। सत्ता जो जो लीडरशिप होती है अथॉरिटी की, वो क्या करता है, न्यूनतम साधनों का प्रयोग करके समाज में उनको मान्यता दिलाता है, एक संगठित प्रयास। करता है, कलेक्टिव एफर्ट होते हैं, संगठित प्रयास करता है, एक विचारधारा। सत्ता में जब नेतृत्व की बात होती है, सत्ता के जो तत्व हैं उसमें जो नेतृत्व करेगा वो इनसे सारे तत्वों के हिसाब से वो सत्ता चला पाता है, कि शक्ति संबंध स्थापित करे, न्यूनतम साधनों का प्रयोग करे, अपने विचारों को मान्यता दे, एक विचारधारा लाए और संगठित प्रयास करे, ये कहलाते हैं सत्ता के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी। अब सत्ता के प्रकार वेबर ने कुछ बताए हैं, उन्होंने कहा सत्ता के तीन प्रकार होते हैं, एक बौद्धिक, परंपरागत, करिश्माई। उनका कहना है परंपरागत सत्ता शुरुआत में हमारे यहाँ जो थी ट्रेडिशनल जो है अथॉरिटी है, परंपरागत सत्ता, यानी परंपरागत सत्ता व्यक्ति की श्रद्धा पे आधारित होती है। हमारे यहाँ परंपरागत सत्ता जो चलती है वो हमारी अपनी श्रद्धा है, जैसे हमारे अपने परिवार में बहुत से नियम कायदे कानून चल रहे हैं, वो हम अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण हम उसका पालन करते हैं, इसमें किसी जोर जबरदस्ती नहीं होती है, सिर्फ हम अपनी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हम उसका पालन करते हैं। एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी व्यक्ति रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, वाहन चालक वहाँ हॉर्न बजाता है या जो है नहीं तो सिर झुकाता है, ये एक परंपरा चली आ रही है कि हम एक अदृश्य शक्ति है, भगवान के मंदिर के सामने हमारा मस्तक झुक जाता है, या कोई डेड बॉडी आ रही है तो डेड बॉडी के आने पे शव यात्रा में जो जो भी लोग निकलते हैं वो रुक जाते हैं, नमन करते हैं और आगे, मतलब एक डेड बॉडी को सम्मान देना, ये एक परंपरागत सत्ता है, ये कहलाती है, इसमें श्रद्धा भाव है, उस शक्ति के प्रति हम झुकते हैं। फिर एक सत्ता उसने कहा कि बौद्धिक या कानूनी सत्ता, दूसरी जो है बौद्धिक या कानूनी सत्ता, ये लीगल है, रैशनल है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, ये बौद्धिक, ये कानूनी सत्ता, इनको कानून के द्वारा प्राप्त हुई है, तो इनको इतने इनके अधिकार, इनकी योग्यता के आधार पर इनको वो पद मिल जाता है जिसके आधार पर वो अपने आदेशों का पालन करते हैं, अपने आदेशों का संचालन करते हैं। फिर तीसरी एक और सत्ता की बात की है जो वो करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये वास्तव में व्यक्ति के पास, कुछ व्यक्तियों के पास कुछ करिश्मा होता है, करिश्मेटिक अथॉरिटी की जो बात करते हैं, वो कुछ व्यक्तियों के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, उन गुणों के कारण, क्वालिटी के कारण व्यक्ति क्या करता है, लोगों पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। अभी कुछ साल पहले, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले बाबा रामदेव की चर्चा हुई, बाबा रामदेव ने योग को स्थापित किया, योग भारत की देन थी, सदियों से चली आ रही थी, योग सब जानते थे, विदेशों में योग से योगा बन गया, चलता था,
लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलराइज, इतना ज्यादा लोकप्रिय होगा, वो बाबा रामदेव ने करा, उन्होंने लाए, तो वो बाबा रामदेव के कारण जो योग जो घर घर में आ गया, योग से सब लोग परिचित हो गए कि वो कहलाता है क्रिश्मेटिक अथॉरिटी। एक करिश्मा थी, गांधी जी एक करिश्माई व्यक्ति थे। आप कल्पना कर सकते हैं, आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास मोबाइल फोन है, सूचना प्रौद्योगिकी है, तब भी हम लोगों को जानकारी नहीं पहुंचा पाते, मतलब 100% जानकारी हम फ्लो नहीं कर पाते। लेकिन 1942 में जब कोई संसाधन नहीं थे, समाचार पत्र ही होते थे, वो भी बहुत टाइम लगता था, तब महात्मा गांधी के एक आदेश पे, महात्मा गांधी के एक आह्वान पे, आदेश भी नहीं, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, 1942 में जो 9 अगस्त को आदेश हुआ था, आह्वान किया था, वो पूरे भारत में एक साथ फैल गया। तो वह पाकिस्तान भी था उसमें शामिल, आप सोचिए कितना बड़ा प्रांत था, लेकिन गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आह्वान को सबने, इसी प्रकार से उनने वो मांग की थी नमक तोड़ो, जो दांडी यात्रा करी थी, वो भी एक आह्वान पे देखे हजारों लोग जुड़ गए थे उनके साथ, यानी कहीं से भी आ जाते थे। ये कहलाता है करिश्मा, करिश्मेटिक अथॉरिटी कहलाती है, करिश्माई व्यक्ति होता है। तो जादूगर, जादूगर अपना जादू दिखाता है, लोग उसके सम्मोहन में फंस जाते हैं। ये तीन प्रकार के सत्ता के इस बार से मैक्स वेबर ने बताया। अब जूलियन फ्रायड कहते हैं भौतिक सत्ता जो है वो अव्यक्तिक है, वो अव्यक्तिक है, मतलब इंडिविजुअल नहीं है। परंपरागत सत्ता श्रद्धा पे आधारित है, और करिश्मा जो है करिश्मेटिक, वो तो करिश्मा पे आधारित होती है। वेबर के सत्ता के सिद्धांत को की आलोचना भी की है, एडजियोनी नाम के एक समाजशास्त्री हुए, उन्होंने इसकी काफी आलोचना की। उनका कहना था सत्ता के कई रूप हैं, वेबर ने सिर्फ तीन रूपों की बात की है। वेबर ने खुद ही कहा है कि सत्ता एक आदर्श प्रारूप, वो ये भी कहते हैं कि वेबर खुद कहता है कि ये मेरा जो सत्ता का सिद्धांत है एक आदर्श प्रारूप है, आइडियल वो है, इसमें वास्तविकता है नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं, तो फिर आप इसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं। वेबर ने सत्ता को स्थायी बताया, उनका कहना है कि सत्ता स्थायी होती है, लेकिन एडजियोनी कहते हैं कि परिवर्तन तो होते रहता है, परिवर्तन होता है, सत्ता बदलती है, और सत्ता सभी के पास रहती है, ऐसा नहीं है कि सत्ता किसी खास के पास, सत्ता इसे एडजियोनी ने इस पर कई आलोचनाएं की हैं। पर फिर भी ओवरऑल अगर अपन देखें तो समाजशास्त्र में जो सामाजिक क्रियाओं का विस्तृत विज्ञान बनाया, व्यक्ति को मूल इकाई के रूप में लिया है कि व्यक्ति के क्रियाकलाप, उसमें सत्ता भी व्यक्ति के क्रिया के तहत लिया है ना, इसकी चर्चा सबसे पहले मैक्स वेबर को जाती है। उन्होंने ये बताया कि वैध शक्ति जो होती है वही सत्ता होती है, लीगल पावर जो है वही अथॉरिटी होता है, और व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति पे जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, उस पे सत्ता केंद्रित होती है। आज 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी में जन्मे महान समाजशास्त्री, जो कि इतिहासकार भी थे, राजनीतिकार भी थे, और शास्त्री भी थे, उसके साथ साथ समाजशास्त्री भी थे, उनका ये सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत आज हमने इसमें पढ़ा। ये हमारे लिए आज एक सौभाग्य की बात है कि आज मैक्स वेबर का जन्मदिन भी है। अब कल आपके पास जो होगा वो मैक्स वेबर का एक और सिद्धांत है जो सत्ता पर आधारित है, नौकरशाही का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।